हेलो एवरीवन, क्लास ट्वेल्थ में जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स, उसमें ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है कंपेयर टू टेबल दिया है, तो फ्रॉम कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, नीट एंड एमएसटीसीटी पॉइंट ऑफ व्यू, क्वेश्चन फ्रेमवर्क कैसे हो सकते हैं वो हमें यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर सिफिलिस और गोनोरिया, उसके पॉजिटिव एजेंट्स कौन से हैं, तो उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे सिफिलिस, ट्रिपोनिमा, पैलिडम्स बैक्टीरिया, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिफिलिस, एंड नाइसेरिया गोनेरिया, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द गोनेरिया। अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, बाद में इन्फेक्शन साइट है और सिम्टम्स दिए हैं। तो ट्रू और फॉल्स, करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स में उस टाइप का जो फ्रेमवर्क टाइप ऑफ क्वेश्चंस होता है, तो उसमें आपको ये स्टेटमेंट्स दिए जा सकते हैं रिगार्डिंग विद द सिफिलिस एंड रिगार्डिंग विद द गोनोरिया, और इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है, कौन से इनकरेक्ट है, तो इस टाइप की जो क्वेश्चन है वहाँ पे बन सकते हैं। एज वेल एज हियर द नेम ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑल्सो गिवन विच इज़ गोइंग टू क्यूर और ट्रीट द सिफिलिस एंड गोनोरिया।